वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। तो ये रहा जटायु अर्थ सेंटर, ये करीबन भैया ने बताया 9:30 के आसपास खुलेगा, तो तब तक भी एंट्री देंगे। तो और अंदर भैया ने बताया लगेज रूम भी है, तो अच्छा है, पार्किंग भी अंदर ही है। और आज तो देखो, आज थर्सडे हुआ ना? हाँ थर्सडे है, तो सब कुछ खाली है। भैया ने बोला शाम शाम हो गई ना तो बहुत भीड़ होगी, तो अभी तो इतनी भीड़ नहीं होगी, पर शाम होते होते पूरा भर जाएगा। और सैटरडे संडे तो बहुत क्राउड ही रहता है। या फॉर पार्किंग? ओके। उन्होंने बोला टिक यहाँ पे यार, महंगा है यार, कुछ ज्यादा ही महंगा लग रहा है मुझे। टू व्हीलर? या चलो, यहाँ पे पार्किंग तो है, यहाँ पे लगा देता हूँ। अभी मैं आया हूँ जटायु अर्थ सेंटर ऐप, उनका एक पूरा एक रॉक से पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, बहुत खूबसूरत है ये। आई थिंक सो मैंने OMG मेरा इंडिया पे पहली बार देखा था, और तब से था कि ये एक बार ज़रूर देखूँगा। और चलो अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी देता हूँ। और पार्किंग यहाँ पे टू व्हीलर के लिए उन्होंने मुझे 10 रुपीज़ लिए है। अभी सामान का देखना पड़ेगा कि भाई लगेज रूम किधर है। सो अभी दिक्कत क्या है ना कि मैं एक्चुअली लगेज रूम में एक भैया से पूछा, तो भैया ने बोला मतलब गूगल पे लिखा ही था कि भाई 10 बजे ओपन होता है, पर मैंने बोला चलो एक बार देख लेते, 9:30 बजे एंटर तो दे दी उन लोगों ने, पर जो टिकट काउंटर है वो 10 बजे ही खुलेगा, बस आधा घंटा ही बाकी है, देखते क्या करते हैं। मुझे लगा कुछ ऑनलाइन टिकट, मतलब वो QR कोड से ऑनलाइन टिकट होते हैं, तो मैंने बोला वो ले लेते हैं, पर वो भी नहीं है। आप वो कैसे आपको देना पड़ेगा? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर लॉकर रूम भी है, अगर आपको सामान वामान रखना है तो आप सामान भी रख सकते हो। पर यहाँ पे मुझे अब तक कोई गेस्ट हाउस या मतलब ऐसा कुछ रहने की सुविधा दिखी नहीं, ऐसा ऐसे मैं मिस कर गया हूँ, पर मुझे अभी तक दिखे नहीं। खाना अगर आपको कुछ खाना हो तो अंदर है, अगर आपको खाना है तो आप आराम से खा सकते हो। जटायु अर्थ सेंटर। तो भैया एंट्री ले लिए, जो बड़ी बैग्स थी वो अलाउड नहीं की उन्होंने, उन्होंने बोला कि एक छोटी आप ये कुछ ले, छोटी बैग लेके जा सकते, बड़ी बैग नहीं अलाउड है। तो मेरे पास एक GoPro की एक छोटी बैग थी ना, तो उसमें मैंने अपना सारा कैमरा सब कुछ रख दिया, एक कैमरा जो था वो पॉकेट में रख दिया। तो उन्होंने बोला कि सेल्फी स्टिक वो सब अलाउड है, कैमरा से अलाउड है, पर बहुत बड़ी बैग अलाउड नहीं है। तो मेरे पास काइंड ऑफ जो बड़ी बैग थी वो अलाउड नहीं थी। टोटल टिकट 236 की पर पर्सन थी, और उन्होंने कहा कि वो आपको कैश देना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं है, तो याद रखना 236 आपको कैश ही देना है। और दो है, या तो केबल कट और या तो आप चल के जा सकते हो। मैंने बोला केबल कट, उन्होंने बोला कि आप ऊपर से ले लो, वो शायद से ऑनलाइन है, पर आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग टिकट है, एक आपको एंट्री के अलग से पे करना है और रोपे के अलग से पे करना है। तो यहाँ पे रोपे के टिकट की प्राइस 263 रुपीज़ है, और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट चलता है, तो मैंने यहाँ पे कार से पेमेंट कर दी थी। तो यहाँ पे रोपे में जब तक आपका नंबर ना आए तब तक यहाँ पे वेटिंग एरिया भी है, तो मैं सुबह जल्दी आ गया था तो मुझे ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो रोपे जैसे जैसे ऊपर जा रहा था नज़ारा और खूबसूरत होता जा रहा था। तो रोपे समय ऊपर आने में करीबन 5 मिनट लगी। आपको मेरे जो पीछे दिख रहा होगा, ये जटायु का एक पूरा एक रॉक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और यहाँ पे रोपे की बात करो तो रोपे की यहाँ पे पर पर्सन 263 रुपीज़ टिकट है, वो आप ऑनलाइन कैश भी कर सकते हो। जटायु अर्थ सेंटर, जिसे जटायु नेचर पार्क या जटायु रॉक के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति है जो जटायु की है। डिस्टेंस फ्रॉम जटायु पार्क वर्कला, जिसकी दूरी 30 किलोमीटर है,
कोलम 37 किलोमीटर, तिरुवनंतपुरम 51 किलोमीटर, एलप्पी 113 किलोमीटर, कन्याकुमारी 140 किलोमीटर और एर्नाकुलम 160 किलोमीटर। दुनिया की सबसे बड़ी जटायु पक्षी की मूर्ति एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। जटायु भारतीय महाकाव्य रामायण का एक प्रसिद्ध पक्षी है। पहाड़ के शीर्ष तक पहुँचने के लिए टूरिस्ट को 826 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी या केबल का रोपवे से जा सकते हैं। मूर्तिकला माप की बात करूँ तो 200 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा, 70 फीट ऊंचाई में है, 15,000 वर्ग फुट फर्श क्षेत्र में है। श्री राजीव आंचल द्वारा इस प्रतिमा को डिजाइन और तैयार किया गया है। इस पार्क को 4 जुलाई 2018 के दिन टूरिस्ट के लिए खोला गया था और इसका उद्घाटन केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा किया गया था। तो यहाँ से ना काफी खूबसूरत नजारा दिखता है, दिखा दो आपको, पूरा यहाँ पे चारों साइड ग्रीनरी ग्रीनरी है। सो अभी यहाँ पे अंदर थिएटर म्यूजियम सब है, भैया ने बताया, पर उन्होंने बोला कि वो अभी नहीं खुला, वो थोड़े टाइम के बाद खुलता है। मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बाहर से एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो व्यू देखो कितना खूबसूरत है और यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी है। यहाँ पे कुछ शॉप्स भी है जहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हो, पर अभी एक्चुअली ओपन नहीं है। आपको पता है बहुत पहले मतलब अभी भी आता है OMG मेरा इंडिया हिस्ट्री टीवी टीम में, तो बहुत पहले इसमें ये दिखाया गया था OMG मेरे इंडिया में। तब मैंने सोचा था कि ये तो ये जो एक बनाया हुआ है केरला में, एक्चुअली हम केरला आए थे और बाद में हिस्ट्री टीवी टीम में हमने देखा, तो हमने लगा कि यार ये सिटी रह गया, पर हमने सोचा था कि कभी ना कभी जब जाएंगे तब इसे ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ ये रहा, सो काफ़ी अच्छा मंदिर है। एक्चुअली मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने किसी वॉचमैन से पूछा कि ये अंदर से जो ओपन है ओपन होता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो ओपन अभी है नहीं। तो मैंने बोला तो और क्या देख सकते, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मंदिर है राम भगवान का, वो देख लो। और सही में बहुत खूबसूरत मंदिर है, वहाँ पर आरती हो रही थी, दरवाज़ा बंद था, तो थोड़ी देर उन्होंने बोला कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं, आप बाहर से ले सकते हो। और बहुत खूबसूरत राम भगवान जी की मूर्ति, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना तो एक बार यहाँ पर नज़दीक में मंदिर तो उनको एक बार ज़रूर विज़िट करना, काफ़ी अच्छा लगेगा। भगवान श्री राम जी के ऊपर राम जी का पैर। अच्छा यहाँ से आ सकते हैं क्या? हाँ वो वाला पे देख सकते हैं। अच्छा ओके ओके। श्री राम का पैर का निशान है इसी पाव। ओह तो यहाँ पर श्री भगवान राम जी के पैर का मतलब एक पैर का निशान है। एक आप ऐसे देखोगे ना ऐसे ऐसे ऐसा है, ये मुझे पता नहीं था, तो मैं ऐसे ही घूम रहा था ना, फिर भैया ने बताया। काफ़ी अच्छा मंदिर है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो एक बार यहाँ पे राम भगवान का मंदिर है एक बार ज़रूर विज़िट करना, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। पीछे का म्यूज़िक सुनो, मैं भी तो भी थोड़ा ना बैकग्राउंड में डाल दूँगा, बहुत ही सुपर म्यूज़िक बज रहा है। तो यहाँ पर फूड स्टॉल भी है, अगर आपको चाय नाश्ता करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। सो एग्जिट करना है, पर उन्होंने बोला कि पूरा थोड़ा ग्रुप आ जाएगा ना उसके बाद हम जाने देंगे, तब तक थोड़ा वेट करो। कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे यहाँ पे, ऐसे भी काफ़ी अच्छा म्यूज़िक बज रहा है तो सुनने में मज़ा आ रहा है। चलो एग्जिट कर रहा हूँ अब, और अब मैं निकल रहा हूँ वर्काला के लिए, क्योंकि अभी करीबन 11:30 बज गए, पहुँचते पहुँचते 1.5 आवर लग ही जाएगा, पता नहीं कितने किलोमीटर यहाँ से, पर वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। तो
आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी साउथ अर्थ के एपिसोड 28 में मैं आपको जटायु अर्थ सेंटर से वर्कला जाने वाला हूँ, उसके बारे में दिखाऊंगा। मैंने अपने चैनल पर 280 से अधिक ट्रैवलिंग के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं, जो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो।